मधुकैटव विध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि महिषासुर नीडाशी भक्तानं सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि धूम्र नेत्र वधे देवी धर्म कामार्थ दायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि। आप सब विस्मित होंगे कि मैं असुर राज महिषासुर आज देवी की वंदना क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं उस देवी का गुणगान कर रहा हूं जो आदि शक्ति है, जो इस सृष्टि का आरंभ है, अंत है और सारा संसार जिसमें विलीन है। देवी के हाथों मेरा वध किए जाने से मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, वो तो एक सीख थी आप सबके लिए कि बुराई, अहंकार, क्रोध, वासना, लोभ चाहे कितना भी पनप ले, पर अंततः जीत हमेशा सत्य की होती है। रूपांग देही जयांग देही यशो देही द्विशो जेही। जय 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 शब्द परस्तुति
ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। जब ब्रह्म देव से मैंने ये वरदान प्राप्त कर लिया कि मुझे कोई देव, असुर, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर और पशु नहीं मार सकते हैं, मैं अहंकार से चूर भूल गया था नारी शक्ति को। मुझे ये प्रतीत हुआ कि जब सृष्टि के सभी पराक्रमी योद्धा मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, तो भला एक अबला नारी मेरा अनिष्ट कैसे कर सकती है। दिन प्रतिदिन मेरा अत्याचार बढ़ता गया और मेरे ही पाप के भार से ये धरती डगमगाने लगी। धरती अपने पति भगवान श्री विष्णु से अपनी समस्याओं का हल मांगने लगी। सतयुग में जब विपदाओं के पर्वत मुझे चारों ओर से घेरे हुए थे, उस घोर आपदा की वेला में आपने वरह रूप धारण करके पताल लोक से मुक्ति दिलाकर मेरी रक्षा की और आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके सम्मान दिया। प्रभु, अब महिषासुर के अत्याचारों से जब हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, अब जब पाप एवं अत्याचार के काले बादल हर तरफ छाए हुए हैं, हे पालनहार, मेरी रक्षा कीजिए। पाप और अत्याचार के इस अंधकार से बाहर निकाल मुझे प्रकाश का मार्ग दिखाएं प्रभु। हे वसुधा, मैं इस बात से अवगत हूं कि ब्रह्म देव के वरदान से महिषासुर का प्रकोप और पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए आप मेरी भगिनी देवी दुर्गा के पास जाकर प्रार्थना करें, उनके पास निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। Da din da tre gida, 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 da
माता, हे भुवनेश्वरी, कृपा कर महिषासुर के अत्याचारों और पापों का विनाश करके मुझे इस आपदा से मुक्ति दिलाए। देवी, इस संसार को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाने का कार्य अब आपको ही करना है। महिषासुर का सर्वनाश करना और इस संसार को सही मार्ग दिखाना अब आप पर ही निर्भर है। मैं महामाया, महाविद्या, परमा प्रकृति हूं, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलित ब्रह्मतेज से हुई। मैं शब्द ब्रह्म रूपा, मैं ही मेधा स्वरूपिनी सरस्वती, विष्णु वक्ष विलासिनी लक्ष्मी और शिव वक्ष वासिनी गौरी हूं। दुष्टों का विनाश करने के लिए मेरा प्रकाश, दुर्गम नामक दैत्य का वध करके मैं दुर्गति नाशिनी दुर्गा, युगों युगों से पापों का विनाश करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। See you.
तो मैंने कर दिया, लेकिन समस्त मानव जाति में पनप रही असुरिक प्रवृत्ति का अंत कौन करेगा? इस पाप का नाश करना आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं। आप यह अवश्य जानना चाहेंगे कि आपके सहयोग के लिए आखिर मैं हूं कहां? मंदिरों में या गुफाओं में या किसी दैव्य स्थान पर? मैं समस्त जगह विद्यमान हूं। आप रोज मुझे देखते हैं, बसों में, बाजारों में, घरों में, चौराहों पर, जिसकी साड़ी से लेकर माथे की बिंदी तक, सर के बालों से लेकर पैरों की एड़ी तक, और भी बहुत कुछ निहारते हैं आप। मैं वही देवी हूं जिसके जन्म पर कोई शंखनाद नहीं होता, जिसके जन्म पर खीर बतासे नहीं बटते। मेरी भी राशि कुंडली देखी गई, मगर वह इसलिए कि मैं अपने पिता, भाई, पति और परिवार के लिए कितनी शुभ हूं। पर मेरी माँ, जिनके गर्भ से मैं जन्मी हूं, उनकी दशा या पीड़ा का एहसास हुआ किसी को? नहीं ना, उनको तो धिक्कारा गया कन्या को जन्म देने के लिए। मैं वही देवी हूं जिसकी किस्मत जन्म से ही शादी में बलि चढ़ने के लिए बनी है, जिसके सिर्फ बाहरी रंग रूप, रंग गोरा है या सांवला है, इसी को महत्व दिया गया। आप सब लोगों ने मेरी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। कभी मां कहकर मेरी पूजा की, कभी प्रकृति बोलकर संबोधित किया, यहां तक कि मंदिरों और देवालयों में भी स्थान दिया। कभी साहित्य के पन्नों में तो कभी काव्य में मेरी महिमा का गुणगान किया। और दूसरी ओर शहरों में, गांव में मेरे साथ छी निर्लज बर्ताव किया। एक तरफ सबने शक्ति का प्रतीक मानकर मुझे पूजा, भोग चढ़ाया, और दूसरी ओर मुझे भोग मात्र की वस्तु समझ लिया। भूलिए मत, एक दिन निर्भया, आसिफा और ऐसी सैकड़ों लड़कियां अबला नहीं रहेंगी। केशों को खोल के हाथ में खड़ग लिए, आंखों से ज्वाला प्रतीत होगी रंग रंगिनी, जिन्हें देखकर देवता भी स्तब्ध रह जाएंगे और वंदना करेंगे। कराल बदरम घोरम मुक्केशिम चतुर्भुर्यम कालिकम दक्षिणम दिव्यम मुंडमाला विभूषितम। विभस्त दावानल की तरह ये आगे बढ़ती रहेंगी और जलाकर राख कर देंगी आप सबकी बनाई हुई इस खोखली सभ्यता को, प्रगति को, उन्नति को, समाज को। तब याद रखना, मैं ही वो देवी हूं। Thank you.
आई है देवी, नींव बनेगी वो लीड बनेगी वो सर पे वो साया है देवी 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 देवी। रूठ गई वो जो टूट गई वो तो प्रलय बनेगी ये देवी। आइए एक बार खड़े होकर शीश झुका दें देवी के आगे।